पति को मारने के लिए पत्नी ने दी 1,00,000 की सुपारी। एक पत्नी की बेवफाई की ऐसी कहानी जिसे जिसने भी सुना उसके होश उड़ गए। सुपारी किलर आया और फिर गोली मारकर चला गया। जब पत्नी को पता चला कि गोली लगने के बाद भी उसका पति जिंदा है, तो फिर बुलाया सुपारी किलर को और तब तक चाकू से गुदवाया जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। आपने अब तक बेवफाई और हवस की आग में अंधा हो चुकी महिलाओं की जितनी भी कहानी सुनी होगी, उन सबों में यह सबसे ज्यादा क्रूर कहानी है। एक पत्नी ने अपने ही पति की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी, जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, जिसका साथ देने का 7 जन्मों तक कसम खाया था, उसे ही गोली और चाकू से मरवा दिया। हवस की आग में अंधी हो चुकी एक बेवफा पत्नी पर हवस का भूख और भूत इस कदर सवार हुआ कि उसने अपने ही पति को मारने की सुपारी दे डाली और उसे मरवा डाला। बिहार के किशनगंज में 26 जुलाई की देर रात शहर के कैलटेक्स चौक के करीब किशनगंज एमजीएम मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले एक प्लम्बर पप्पू गुप्ता की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद लोगों को और पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक प्लम्बर मिस्त्री से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। आखिर कोई एक प्लम्बर मिस्त्री को क्यों मारना चाहेगा? सवाल बेहद पेचीदा थे जिसका जवाब पुलिस को तलाशना जरूरी था। पुलिस ने इस हत्याकांड में अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो इस हत्या के पीछे की वजह बेवफाई, धोखा और नफरत की एक घिनौनी कहानी सामने आई, जिसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसके साथ उसके अपने भाई और पत्नी ने ऐसा दगा किया कि भाई और पत्नी के रिश्ते को तार तार कर गया। इस वारदात में जिसकी मौत हुई उसके ही पत्नी और छोटे भाई ने ही शूटर को 1,00,000 रुपए का सुपारी देकर इस हत्या को अंजाम दिया था। अपने ही पति को मरवाने के पीछे की कहानी हवस और अवैध संबंध से जुड़ी है। पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता का प्रेम प्रसंग उसके पति के छोटे भाई यानी देवर राजकुमार गुप्ता से चल रहा था। भाई को रास्ते से हटाने के लिए प्लम्बर मिस्त्री पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता और राजकुमार गुप्ता ने नौगछिया, रंगड़ा और गोपालपुर से कई शूटरों के साथ शार्प शूटर सूरज पासवान को 1,00,000 का सुपारी देकर अपने पति की हत्या के लिए किशनगंज बुलवाया था। और जब पप्पू गुप्ता अपना काम खत्म कर मेडिकल कॉलेज से 26 जुलाई की रात 10 बजे घर जा रहा था, तो पहले से घात लगाए बैठे शूटर गोली मारकर चलता बना। गोली से घायल पप्पू गुप्ता ने अपने पत्नी को फोन कर जानकारी दी कि उसे गोली लगी है और उसे जल्द आने को कहा। जैसे ही पत्नी प्रीति गुप्ता को पति के जिंदा होने की सूचना मिली तो प्रीति ने शूटर को फोन मिलाया और बताया कि उसका पति जिंदा है, जिसके बाद अपराधी फिर वापस आए और घायल पप्पू गुप्ता पर चाकू से तब तक वार करते रहे जब तक कि उसकी मौत ना हो गई। नवच्चा से एक स्कॉर्पियो आई है जिसमें 5 लोग थे, ड्राइवर को मिला के 6, और वहाँ से 2-3 बजे निकली और यहाँ कम से कम 6-7 बजे यहाँ पहुँचे और घटना अंजाम दे के उसी रात वापस चले गए हैं। इसमें अभी तक टोटल 6 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई जाती है। 3 को गिरफ्तार किया गया जिसमें मृतक की पत्नी है, मृतक का भाई है और एक राज सूरज पासवान। 3 अन्य अभियुक्तों की भी जान पहचान हो चुकी है, अभी उनकी गिरफ्तारी शेष है, 1-2 दिन में उनकी भी गिरफ्तारी हो। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक पत्नी अपने हवस की आग में इस कदर अंधी हो जाएगी कि अपने ही पति की सुपारी किलर से हत्या करवा देगी। अक्सर किसी भी अवैध संबंध का अंत अपराध पर ही आकर खत्म होता है, जिसमें धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों को नुकसान होता है। किशनगंज की इस घटना में
पति की मौत हो गई और पत्नी सलाखों के पीछे पहुंच गई और यही अंत है हवस का, धोखा का, बेवफाई का और नफरत का। किशनगंज पुलिस के लिए यह हत्याकांड बिल्कुल एक डार्क केस था, जिसे पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस हत्याकांड में एक साजिश, धोखा और बेवफाई को बेनकाब कर दिया। इस घटना को अंजाम देने में कुल 6 लोगों की संलिप्तता सामने आई, जिसमें से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मसरूर रईस, न्यूज़ लाइफ, किशनगंज।